बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी के गणित में अध्याय 8 मापन। बच्चों इस पाठ में शुरू करते समय आपको बता दें कि इसके पहले हम इसी पाठ के अंतर्गत लंबाई का मापन भी देख चुके हैं और भार का मापन भी देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो में आज हम धारिता के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सीखने के प्रतिफल AM 314 के तहत आज हम सीखेंगे धारिता मापन के इकाई मिलीमीटर लीटर का उपयोग कर धारिता मापन, मिलीलीटर को लीटर में बदलना, लीटर को मिलीलीटर में बदलना और कुछ इबारती सवालों को हल करना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं धारिता को। धारिता हम किसे कहते हैं? इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक बाल्टी की और कुछ और सामान जैसे कप, गिलास और जग की। तो आइए हम देखते हैं, ये बाल्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर और एक छोटा सा कप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें करना क्या है बच्चों? आप लोगों को कप में पानी लेकर आपको बाल्टी में डालते जाना है। तब तक डालना है जब तक बाल्टी पूरी तरह से ना भर जाए। और हाँ, जब आप कप से बाल्टी में पानी डालेंगे तो आपको गिनते भी जाना है कि इस बाल्टी में कितने कप पानी आ रहा है। ठीक है, इसको भूलना नहीं। आप चाहें तो एक एक लाइन भी खींच सकते हैं एक एक कप पानी डालने के बाद, ताकि आपकी गिनती बिल्कुल सही रहे। जब ये काम पूरा हो जाए तो आप नोट कर लीजिए कि उस बाल्टी में कितने कप पानी आया। उसके बाद आप कप की जगह गिलास लीजिए और गिलास को पूरा भर भर के फिर वापस किस में डालेंगे? बाल्टी में डालेंगे। गिलास को भरिए, बाल्टी में डालिए, फिर भरिए, फिर डालिए। और यहाँ पर भी आपको गिनती करते रहना है कि आप कितने गिलास पानी उस बाल्टी में डाल रहे हैं। जब बाल्टी पूरी तरह भर जाए तो आप इस काम को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए कि उस बाल्टी में कितने गिलास पानी आप डाल चुके हैं। बच्चों इसी गतिविधि को आपको जग के साथ भी करना है। आप एक जग लीजिए अपने घर से और जग में पूरा पानी भर के आपको बाल्टी में डालते जाना है। कब तक डालना है? जब तक बाल्टी पूरी तरह से ना भर जाए। जब बाल्टी भर जाए तब आपको देखना है भाई कि आप कितने जग पानी डाले हैं, उसको भी आपको नोट करना है। बच्चों यही काम आप अपने साथियों से भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप बाल्टी को भरने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास और कुछ पात्र होगा उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। जब ये काम पूरा हो जाए तब आपको देखिए यहाँ पर एक सारणी दिखाई दे रही है। बाल्टी में आया पानी, कितना पानी आया, कप में कितना पानी आया, कितने कप पानी भरे हैं आप बाल्टी में, ये आपको लिखना है। मान लो आप 30 कप पानी डाले हैं तो यहाँ पर 30 लिखना है, लेकिन हाँ आप जितने कप पानी डाले हैं वही यहाँ पर आपको लिखना है। आपके साथी जितना कप पानी से भरा है वो आपको वो लिखेगा यहाँ पर। ठीक वैसे ही गिलास से कितने गिलास में बाल्टी भरा वो यहाँ पर लिखना है। जग से कितने जग में बाल्टी भर गया ये आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों इस गतिविधि को करने के बाद आप समझ पाएंगे कि यदि कोई बाल्टी 20 कप पानी से पूरी तरह भर जाती है तो हम कहेंगे कि इस बाल्टी की धारिता 20 कप है, या वह बाल्टी मग से या जग से 5 मग में पूरी तरह भर जाती है तो हम कहेंगे कि उस बाल्टी की धारिता 5 मग है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि धारिता हम उसे कहते हैं जिसमें किसी बर्तन से हम उस बर्तन को भरते हैं जिसकी हम धारिता माप रहे हैं। जैसे हमने बाल्टी की धारिता के बारे में बात की तो हम वहाँ पर कहा कि इस बाल्टी में 20 कप पानी आ रहा है, इसलिए इसकी धारिता 20 कप है। उसी कप में ना जिसमें आप भरे हैं, और दूसरे कप के बारे में आप उसको नहीं कह सकते। तो जिस पात्र का उपयोग कर रहे हैं उसी पात्र के सापेक्ष आप कह सकते हैं कि इस बाल्टी में 5 मग पानी समा सकता है। आइए अब जानते हैं मिलीलीटर और लीटर के संबंध में। मिलीलीटर को लीटर में बदलना और लीटर को मिलीलीटर में बदलना। आइए अब देखते हैं कि एक लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है। आप इस प्रकार के कोई एक पात्र लीजिए जिसमें एक लीटर पानी या द्रव आ सकता है, या उसकी धारिता एक लीटर पानी के बराबर है। और उसके बाद जो छोटे पात्र आप देख रहे हैं जिसमें 200 मिलीलीटर लिखा हुआ है ये आप लेंगे। बच्चों ये सामग्री जो छोटे वाला पात्र है वो आपके विद्यालय में भी उपलब्ध है, चाहे तो आप वहाँ से सहयोग ले सकते हैं या किसी दुकान से भी आप इसको कुछ समय के लिए मांग सकते हैं। बच्चों आइए देखते हैं द्रव के मापन के लिए कौन कौन से पात्र होते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये छोटा सा एक पात्र है जिसमें लिखा हुआ 20 ml। इसका भी उपयोग दुकानदार 20 ml तेल मापने के लिए या फिर और अन्य चीज़ों को मापने के लिए करते हैं।
फिर उसके बाद है इससे बड़ा थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ 50 ml। इस प्रकार के बर्तन का भी उपयोग 50 ml तेल तौलने के लिए वो करता है। ठीक, उसके बाद बच्चों ये है एक और उससे बड़ा हुआ पात्र जिसमें लिखा हुआ है 100 ml। इसका भी उपयोग दुकानदार 100 ml तेल तौलने के लिए करता है, मापने के लिए करता है। फिर ये देखिए ये है, इसमें लिखा हुआ 200 ml यानी 200 ml। इसका भी उपयोग दुकानदार करता है। और फिर अंत में ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 500 ml यानी 500 ml। इससे और बड़ा होगा, इससे दुगुना, उसमें 1 लीटर लिखा हुआ रहेगा। चलिए अब देखते हैं इस गिलास में कितने मिलीलीटर या कितने ml पानी आ सकता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटा सा बर्तन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 50 ml। ये देखिए ये 50 ml लिखा हुआ है। हम इस बर्तन से इस गिलास की धारिता को मापने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप गिनते जाइएगा मेरे साथ। ये मैंने 50 ml से इस बर्तन को भर लिया, 50 ml के बर्तन को पूरा पानी से भर लिया मैंने। अब मैं इसमें डालते जाऊँगा, ये हो गया 1, आप गिनते जाइए, फिर भरेंगे और ये हो गया 2, फिर भरेंगे ये हो गया 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये हो गया 6 और आएगा इसमें ये हो गया 7। देखिए 7 बार में गिलास पूरा भर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो गिलास है, ये छोटे डुमनी, ये डुवा जिसको हम बोलते हैं, 50 ml का है, इसमें 7 बार में गिलास भर चुका है। अब आप क्या बता सकते हैं, इसमें 50 ml लिखा हुआ है, हमने 7 बार उपयोग किया, तो इस गिलास की धारिता कितना ml हो गया, 6 बार में 300 ml और 1 बार और तो 350 ml इस गिलास की धारिता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बर्तनों की धारिता आप माप सकते हैं और अपने साथियों के साथ इसको खेल में खेलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में ये बातें आ जाएंगी। अब देखिए जो बड़ा पात्र है जिसमें 1 लीटर लिखा हुआ है, उसमें हम छोटे पात्र जिसमें 200 ml लिखा हुआ है, उससे हम पानी भर भर के डालते जाएंगे और गिनते जाएंगे कि हम कितने बार उसमें पानी डाल रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरा हम पात्र लेंगे जिसमें 500 ml लिखा हुआ है, 500 ml लिखा हुआ है, उससे हम इसमें पानी डालेंगे और गिनेंगे कि कितने बार में यह जो पात्र है भर गया है। और ये इस गतिविधि को करने के बाद हम समझ पाएंगे कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है। ठीक वैसे ही 0.5 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, इसके लिए हमको इस गतिविधि को दोबारा शुरू करना होगा 0.5 लीटर के पात्र के साथ। ठीक वैसे ही 0.25 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, ये भी हम समझ पाएंगे। बच्चों आइए एक और गतिविधि करते हैं। मान लीजिए कि यह जो बाल्टी आप देख रहे हैं लाल रंग की, यह बाल्टी 1 लीटर के बर्तन से 20 बार में पूरा नहीं भरता, और जब हम 21वें बार भरने जाते हैं 1 लीटर के बर्तन से तो आधा पानी बच जाता है। तो भाई हम इसको कैसे लिखेंगे कि इस बाल्टी की धारिता क्या है, इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 20 लीटर धन 0.5 लीटर, यही तो लिखेंगे ना। या हम इसको लिख सकते हैं 20 लीटर और 500 ml, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 20 लीटर धन 500 ml। इस प्रकार से आपने समझा, धारिता को लीटर और मिलीलीटर में हम मापते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। बच्चों ऐसे ही 0.5 लीटर बराबर कितना होता है और 0.25 लीटर बराबर कितना होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। बच्चों लिखने की सुविधा से हम मिलीलीटर को पूरा ना लिख के मी और ली लिखते हैं, ठीक वैसे ही लीटर को पूरा लीटर ना लिख के हम एक के बाद ली लिख दिए हैं, इससे हम पढ़ेंगे 1 लीटर। ऐसे ही आप जब दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कोई तेल का पाउच खरीदते हैं या अन्य चीज़ खरीदते हैं जो बाटल बंद में आता है, तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही लिखा रहता है, कभी कभी अंग्रेजी में भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 के बाद L लिखा है, इसका मतलब है 1 लीटर, या आप देख रहे हैं 1000 ml, इसका मतलब होता है 1000 ml। तो 1000 ml का मतलब आप पहले से जानते हैं, 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। इस प्रकार से अंग्रेजी में भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आप उसको
समझ सकते हैं। एक लीटर बराबर क्या बताया हमने, एक के बाद एल लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ एक लीटर, और 1000 ml लिखा है, इसका मतलब है एक लीटर या 1000 ml। बच्चों आप मिलीलीटर और लीटर के संबंध में अपनी धारणा को थोड़ा सा पुख्ता कर चुके होंगे, ये आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में बातें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, मीता पानी की बोतल में 750 ml पानी लेकर अपने विद्यालय गई, शाला से वापस आने पर बोतल में 200 ml पानी था, तो मीता ने कितना पानी पिया ये आपको बताना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हाँ आपको इसके लिए क्या करना है, 750 ml में से 200 ml को घटाना है। तो चलिए हल करते हैं, पहले बॉटल में कितना पानी था, 750 ml, और वापस आने पर कितना पानी बचा था, 200 ml। अतः शेष पानी बराबर हम लिखेंगे 750 ऋण 200। अब 750 में 200 घटाइए बच्चों, कितना आएगा, 550। आप अंत में लिखेंगे, अतः मीता ने कुल 550 ml पानी पी लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिलीलीटर लिखने के लिए हमने मी और ली लिखा है, इसका मतलब मिलीलीटर होता है, और ऊपर हमने लिखा है 750 ml, तो 750 ml का मतलब होता है 750 ml। इस प्रकार से आप दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और अंग्रेजी भाषा में भी मिलीलीटर को समझ सकते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, एक बर्तन में 500 ml दूध है, इसमें 250 ml दूध और डाल दिया गया, अब बर्तन में कुल कितना दूध है आपको बताना है। तो यहाँ पर तो भाई जोड़ने की गतिविधि हो रही है ना, तो हम इन दोनों मापों को जोड़कर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू में कितना दूध है, 500 ml, बाद में और डाला गया दूध कितना है, 250 ml। आपको हम बता चुके हैं ml का मतलब होता है मिलीलीटर, अतः बर्तन में दूध की कुल मात्रा कितनी होगी, 500 ÷ 250। दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों तो उत्तर कितना आएगा, 750। अतः बर्तन में कुल 750 ml दूध है। इस प्रकार से आप सवालों को हल भी कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है, देख लीजिए ये प्रश्न है आपके लिए। बाजार में 2 लीटर धारिता वाले तेल के डिब्बे मिलते हैं, 10 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने डिब्बे खरीदने होंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब अपने बड़ों के सहयोग के साथ देना है। उसी प्रकार से दूसरा सवाल भी है, आप इसको पढ़िए और इसका जवाब अपने साथियों के साथ मिलकर दीजिए। तो हम समझ रहे हैं कि आप धारिता के संबंध में अपनी समझ को पुख्ता बनाए होंगे, और भी ऐसे प्रयास करिए, और भी ऐसे आप गतिविधि कीजिए और धारिता को मापने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास के छोटे छोटे बर्तनों को देखिए, उसमें कितना पानी आता है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ये पाठ 8 यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे एक नए पाठ में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।